एक पपोट हो गया भाई, सारे आम पक गए भाई। और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं हमारे रूम में। देखो दोस्तों कैसा मौसम हो गया है, पूरा काला काला हो गया है। गाइस ये देखो सारे आम पक गए, पीले पीले हो गए यार, सारे आम पक गए भाई। देखो दोस्तों पीला पीला आम, देखो मल्लिकार्जुन आम, ये सारे पक गए मल्लिकार्जुन। और सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आप सभी लोग कैसे हो, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज भी मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया हूँ और दोस्तों नहा धो के रेडी हो गया हूँ। तो क्योंकि दोस्तों आप लोग ने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम लोग बहुत सारे आम लाए थे और वो सारे आम हम लोगों ने पकने के लिए रख दिए थे, क्योंकि दोस्तों हम लोग धीरे धीरे आम पकाने वाले थे। लेकिन दोस्तों एक पपोट हो गया भाई, सारे आम पक गए भाई, सारे के सारे आम पक गए भाई, पीले पीले हो गए भाई, एक साथ 40 किलो आम पक गए भाई। दोस्तों हम लोग ने सोचा था कि मतलब ऊपर कुछ डालेंगे नहीं, घास वास कुछ नहीं डालेंगे, तो धीरे धीरे आम पकेंगे और खाते जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक साथ सारे आम पक गए भाई। तो दोस्तों वही हाल हो गया, हर साल होता है वैसा ही हो गया हमारे साथ, फिर से वैसा ही हो गया। तो दोस्तों सारे आम पक गए और हम लोग आम लाए थे दोस्तों, आपको तो पता ही, हम लोग मल्लिकार्जुन आम लाए थे और सारे आम पक गए भाई। तो दोस्तों अभी सारे आम अभी खाने पड़ेंगे, फटाफट खाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों शायद बिगड़ जाए, वैसे जल्दी बिगड़ते नहीं है, 50% चांस है शायद बिगड़ जाए, इसलिए फटाफट खाने पड़ेंगे और मतलब परिवार वालों को भी देने पड़ेंगे, वरना सारे आम खराब हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मेरे पास केवल 1 घंटा है व्लॉग बनाने के लिए, तो है मक्खी। तो चलिए दोस्तों मेरे पास केवल 1 घंटा है व्लॉग बनाने के लिए, तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं और फटाफट चाय नाश्ता करते हैं और आपको आम दिखाते हैं भाई, मल्लिकार्जुन आम, सारे आम पक गए पीले पीले है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नीचे पिंकू जी के पास। तो दोस्तों अभी मैं किचन में आ गया हूँ और यहाँ पे है पिंकू जी। हाय पिंकू जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो दोस्तों पिंकू जी का मूड आज खराब है, क्योंकि दोस्तों सारे आम पक गए ना, और पिंकू जी ने ये आइडिया लगाया था ये आम पकाने वाला, तो सारे आम पक गए तो पिंकू जी उदास हो गई आज थोड़ी। और आज पिंकू जी क्या बनाया भाई, ये क्या है? अरहर की सब्जी है। अरे वाह, चलो। और ये चावल की रोटी। तो चलो चाय नाश्ता निकाल दो फटाफट, फिर आम दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी चाय गर्म हो रही है, देखो ये ऑलरेडी चाय बनी हुई है तो ठंडी हो गई है, और पिंकू जी अभी इसको गर्म कर रही है। पिंकू जी नाश्ते में कुछ नहीं है, तो ये हम लोग बिस्किट लाए थे डी मार्ट से, वही है मॉम्स मैजिक, वही ना, सारी खत्म हो गई अभी बस। तो दोस्तों यहाँ पे चाय निकल रही है, तो दोस्तों चाय नाश्ता रेडी है, चलो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अभी मैंने चाय नाश्ता कर लिया है और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं हमारे रूम में, और सारे आम वहीं पे है। तो दोस्तों अभी हम लोग हमारे रूम में आ गए हैं और देखो ये रही खिड़की है, हम लोग खिड़की में व्लॉग बना रहे हैं। और दोस्तों मौसम बिगड़ गया है, पूरा काला काला बादल आ गया है भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो खुला था और धूप, और दोस्तों धूप लग रही थी, और दोस्तों बारिश आने वाली ऐसा लग रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो दिखाता हूँ आपको मैं मौसम कैसा हो गया है। देखो दोस्तों कैसा मौसम हो गया है, पूरा काला काला हो गया है और 110% बारिश आने वाली है। पहले धूप लग रही थी लेकिन अभी पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, सडनली चेंज हो गया एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों बारिश की सीजन में बारिश नहीं आएगी तो क्या आएगी, चलिए बारिश तो आती रहेगी। पहले आपको आम दिखा देते हैं मल्लिकार्जुन। तो दोस्तों अभी हम लोग हमारे रूम में पहुंच गए हैं और पिंकू जी बैठ गई है, और देखो हम हमारे पीछे देख सकते हो ये आम कितने सारे है, पीले पीले हो गए दोस्तों, सारे आम पक गए दोस्तों। गाइस ये देखो सारे आम पक गए, पीले पीले हो गए यार, सारे आम पक गए भाई। और पिंकू जी बेचारी उदास हो गई, क्योंकि दोस्तों पिंकू जी की मतलब ये तरकीब थी पकाने वाली, और पिंकू जी बेचारी उदास हो गई, सारे आम पक गए। देखो दोस्तों कितने पीले पीले आम हो गए, ये देखो सारे पीले पीले आम हो गए। देखो दोस्तों पीला पीला आम, देखो मल्लिकार्जुन आम, ये सारे पक गए।
लेकिन अभी आई थिंक ये 4-5 दिन रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, 4-5-6 दिन रहेंगे, है ना पिंकू जी? ज़्यादा नहीं रहेंगे ना, और सारा सफाचट करना पड़ेगा फटाफट। वही सफाचट करना पड़ेगा और सब किस सबको देना भी पड़ेगा, ऐसे तो खराब हो जाएंगे। टोटो साहब अभी थंबनेल के लिए फ़ोटो लेने वाले हैं, पिंकू जी अभी थंबनेल के लिए फ़ोटो खिंचवाने वाली है। तो ये दो बड़े बड़े आम ले लिए पिंकू जी ने, देखो दोस्तों कितने बड़े आम है ये, मल्लिकार्जुन। और भाई खाना ही पड़ेगा भाई अभी। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये आम मल्लिकार्जुन हमने पकने के लिए रखे थे लेकिन पट हो गया, सारे आम पक गए भाई। हाय हाय भाई, इसको सफाचट करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, वरना खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी घर में बहुत अंधेरा लग रहा है, इसलिए मैं खिड़की के बाहर, देखो ये खिड़की के बाहर ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी बारिश आने वाली है ना, तो अंदर बारिश शुरू हो गई। हाँ तो बारिश शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है बारिश, और घर पे लाइट चली गई है। और दोस्तों पहली बारिश में ऐसा ही होता है, पहली बारिश में ये मतलब एक थोड़ा सा भी बारिश आ जाए ना तो भाई बिजली वाले बिजली काट लेते हैं, पता नहीं क्यों कैसा सिस्टम है उन लोग का कि बिजली चली ही जाती है। तो चलिए दोस्तों अभी आप लोगों ने आम तो देख ही लिए कि कितने आम पक गए, हमारे सारे आम पक गए, और अभी हम लोग को 5-6 दिन में उसको फिनिश करना पड़ेगा, वरना सारे आम ख़राब हो जाएंगे। और दोस्तों बारिश आने चालू हो गई है और मैंने खिड़की के बाहर मेरा मोबाइल रखा है ब्लॉग बनाने के लिए, तो दोस्तों पानी चला जाएगा तो वो मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा फ़ोन तो आईफोन है नहीं कि मतलब बच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग बस यही एंड करते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे जॉब जाने का भी टाइम हो गया है और दोस्तों 15 मिनट बाकी रह गए जाने में। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।